बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे कीमा और करेले अंसा के किचन में, जिसके लिए मेरे पास 3 पाव कीमा है, उसको बारीक चॉप किया हुआ है, प्याज है इसमें कटे हुए, करेले हैं 1/2 किलो, बहुत अच्छी तरह से इनको नमक लगा के धोया हुआ है, टमाटर है 3 बड़े साइज़ के कटे हुए, लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्च और धनिया है कुटा हुआ, बाकी के स्पाइसी मसाले हैं। इसमें मैं 1 चम्मच नमक का डाल दूँगी और 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर डालूँगी और 1 चम्मच हल्दी का डाल दूँगी और साथ ही ये मसाला डाल दूँगी कुटा हुआ। बहुत ही मज़ेदार ये कीमा करेले तैयार होंगे अगर आप इसी तरह अंसा के किचन में जैसे बनते हैं इसी तरह बनाएंगे। ये साथ ही टमाटर डाल देंगे और मैं 1 गिलास पानी का डाल के कीमे को पकने के लिए रख देती हूँ। जब कीमा अच्छी तरह से भुन जाएगा फिर इसमें करेले फ्राई करके डालेंगे। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी का डाल दूँगी जिससे कीमा बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। बहुत ही मज़ेदार ये कीमा करेले तैयार होंगे। आप रेसिपी को पूरा देखा करें एंड तक और स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। कीमा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, इसमें थोड़ा पानी रह गया। जब ये पानी खुश्क होगा फिर इसमें करेले फ्राई करके डालेंगे। दूसरे चूल्हे पे मैंने 1/2 कप घी का डाल के करेले फ्राई होने के लिए रखे हुए हैं। जैसे करेले फ्राई होंगे फिर कीमे में डाल के इसकी बुनाई करेंगे। बहुत अच्छी तरह से बहुत मज़ेदार ये कीमा और करेले तैयार होंगे अगर आप इसी तरह से बनाएंगे। करेले बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, कीमे का पानी भी खुश्क हो गया। अब ये करेले जो फ्राई हुए हैं वो कीमे के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसको 5 से 6 मिनट का दम लगा दूँगी, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार कीमा और करेले बन के तैयार हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार कीमा और करेले बन के तैयार हो गए। इसी तरह बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, दुआ में याद रखा करें।